डेविल कौन आ गया? डेबू डेविल डेविल। अरे अभी बच्चों से बहुत मस्ती काट रहा था। बाजी देखो बाजी, इसने बड़ा अच्छा डांस किया है, छोटी सी है। हाँ वो छुटकी सी ने बहुत अच्छा डांस किया इसने। पलेगी तू पलेगी, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिला। बाबा क्या कह रहे हैं? पलेगी तुझे पालना छाने देख ले। पता अभी अम्मा से कह देना कि बाबा ले जा रहे हैं मुझे। चॉकलेट यूँ कहते बाबा मैं पलने वाली चीज नहीं हूँ। कहते बाबा से बोलना, बाबा से बोल, बाबा मैं पलने वाली चीज नहीं हूँ। बोल ऐसे बोल, बोल दे बोल जल्दी बोल। वो गेट ताला लग रहा है मकान, उसमें चाबी दे दे पापा को। डेविल भैया आ गया। ए डेविल भैया आ गया। देखिए गाइस आज पूरी फैमिली हमारी होम गार्डन में ही आ गई है। और ये देखो बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं, पार्क बना रखा है बच्चों की। भागो और रो 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 रो। अरे अरे बचा बचा बचा, ले ले गोद में उठा ले इसको। वैसे चढ़ता नहीं है, पता नहीं कैसे चढ़ गया ये। अच्छा तुम लोग भागोगे। खेलने के लिए कर रहा है। अब चैन से बांधो ना इसे, जा चले रहे सबको पीछे पड़ जाएगा ये। जा भागो सारे लाइन से, भागो सब, भागो सब। हाँ वो छुटकी सीधा दबा ले। डेविल ए डेविल, आज शैतानी करी ना तुमने, बहुत शैतानी करी ना, गलत बात है। हैं डेविल भागा, ये रह गया, भाग ले भाग ले। अब तुम लोग आओगे भी नहीं, मिट्टी मिट्टी भी आ गया। मैं बताऊं नहीं कैसे नहीं करता ये, हो गया पता नहीं नीचे ऐसे डाल लेता उसे बंद रिया। पहले वो छोटी सी लड़की डाली और अभी से डाली। देखिए गाइस कितना मस्ती काट ये, जब से बंद चक्कर क्या है, ये जब से बंद रहा था और बहुत देर से ये हाँ इसका कर रहा था मन खेलने का। ये बच्चों के साथ खेलता है ना। ये तो निकम्मा है, क्यों भाई? मारो इसे, मारो इसे। अब तू मार इसे। अब तो कैसे भागेगा ये देख ले। अब भागा, अब भागा। बा पकड़ पिंकी इसको, जो बहुत परेशान कर रहा है बच्चों को इसने। पास से निकलता जा कुछ के क्या है, पकड़ लो। पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। आज तो भाई इसने कमाल कर दिया। वैसे ना पिंकी ये बच्चों से कुछ कहता नहीं है यार, जब भी आज बच्चों ने परेशान करा। डेविल अब शांत हो जा, शांत हो जा को ना। तू इतने दिन से रोज आना खेलने आवे है तो चाहे ना मालूम तो नाम का जाको जाको। डेविल डेविल नहीं डेविल 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 नहीं डेविल। बाबू तेरा नाम क्या है तू बता, ये नाम कहा तेरा? ये डेविड बना रहे हैं तुझे, डेविड नाम है।
डेविल। हाँ 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 हाँ, दोबारा करना, दोबारा कर। अरे तू नटे है क्या? देखना ये आंटी क्या कह रही है, ये आंटी क्या कह रही है, बोलियो पूछियो। ये आंटी क्यों कह रही है कि नट वाले नटों के बच्चे करते हैं ऐसे डांस, है ना? तू 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 ए ए तू नट का, तू नट का बच्चा, कला तो तू ऐसी कर रहा है नट के बच्चों की तरह। क्या कह रही है? अरे बंदरिया सी, देखिए देखिए गाइस बच्चे जो है कैसे डेविल से मस्ती काट रहे हैं। हाथ दे रहा है सबको। अब वो समझ गया बहका रहे, कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं मुझे, वैसे ही बहका रहे हैं। हाय गाइस नमस्कार, आज मैं आई हूँ अपने होम गार्डन में। और उस दिन आप आई थी होम गार्डन में तो आप लोगों को दिखाया था कि मेरे बाबूजी जो हैं इसमें होम गार्डन में क्यारी बना रहे थे उस टाइम पर, और एक पेड़ भी काटा था उन्होंने, छांटा था मतलब, तो क्यारी तैयार करने के लिए कुछ बोने के लिए। तो उस दिन उन्होंने लहसुन बोया था क्यारी बनाने के बाद, और उस दिन के बाद मैं आई नहीं थी। तो फिर मैं आज दोबारा आई हूँ देखने के लिए कि उन्होंने देखे क्या बोया है। तो मैं आपको आज ये दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या बो रखा है। और अभी सारे होम गार्डन में आपको राउंड लगा के दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या बोया। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगे तो हाँ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। दिखाती हूँ आप में इन लोगों ने क्या क्या, इन्होंने क्या बोया है। ये देखिए गाइस इस वाली क्यारी में तो इन्होंने ये लहसुन बो रखा, अभी थोड़ा थोड़ा सा निकल गया है, थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है अभी, और अभी थोड़े दिनों बाद और बड़ा हो जाएगा। इन्होंने ये क्यारी तो ये लहसुन की बना ली है, बहुत मेहनत करते हैं, इसी में लगे रहते हैं, तो इनका अपना टाइम पास भी हो जाता है और इनका एक्सरसाइज हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे दिखाती हूँ आगे क्या बो रखा है इन्होंने। ये देखिए इसमें ये एक लाइन इन्होंने धनिया की डाल रखी है, ये धनिया डाला है, धनिया निकल रहा है सारे में, अब तो निकल आया है पूरा, उग आया है अभी इनका। ये पानी चला गए तो पानी चल रहा है इनका क्यारी में। और ये देखिए एक लाइन में इन्होंने उधर की साइड में इन्होंने पालक बोया है, ये एक साइड में तो धनिया डाल रखा है पूरी लाइन में, और ये दूसरी लाइन में ये पालक बो रखा है, ये भी निकल गया है। ये देखिए पूरी वहां तक, पूरी क्यारी वहां तक आगे तक पालक ही पालक है। और इधर की साइड में तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, इधर ये इन्होंने ये पूरी क्यारी लहसुन की है। और चलते हैं आगे, आगे क्या बोया इन्होंने। एक क्यारी इन्होंने ये बनाई है, ये शायद मूली है, मेरे अंदाज से तो मूली है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है वो, क्योंकि वही करते रहते हैं, मुझे मूली लग रही है। एक क्यारी इन्होंने ये बनाई, और ये लौकी तोरी के वेल है, ये तोरी लगा रखी है। एक गाइस एक चीज सही है, अपना होम गार्डन होता तो उससे ये होता है कि जो मार्केट में सब्जियां वगैरह आती है ना, तो वो देसी खाद नहीं डालते हैं, तो उसका स्वाद अलग ही चेंज हो जाता है, उसके स्वाद में कुछ अजीब टाइप का ही आता है। और जो अपने होम गार्डन में जो हम लोग करते हैं सब्जियां, तो उनका स्वाद भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी सही रहती हैं। ये देखिए गाइस एक ये क्यारी इन्होंने बनाई है, ये इसमें इन्होंने चने जो होते हैं चने का साग
वो बो रखा है, ये भी सब निकल आए, काफी बड़े बड़े हो गए चने का भी सर। ये देखिए काफी चने निकल आए। एक क्यारी इन्होंने ये बना रखी है, ये जब काम आते हैं, जब हम लोग साग बनाते हैं ना घरों में, तो पालक मेथी और सरसों और ये चने का साग डालो पत्ते वत्ते, तो बहुत टेस्टी साग बनता है घर पे बनाते हैं तो। और इधर देखिए, इधर भी है, इन्होंने कुछ बोया है इधर भी। ये तो वैसे ही है क्यारी, ये भी थोड़ी वो छोटी छोटी से पालक के बीज डाल दिए हैं अभी। ये गाय जी, ये है अनार का पौधा, इसको मैं बहुत मन से नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन इस बार इस पे अनार लगे थे लेकिन गिलहरी हैं, गिलहरी नहीं छोड़ती, और सारी गिलहरियाँ, कई अनार लगे थे इसमें तो सारी गिलहरियाँ खा गई। इस पे जाल लगाने के बाद भी गिलहरियाँ अनारों को खाती हैं, छोड़ती नहीं है, और जाल भी काट दिया बीच बीच में से। एक क्यारी इन्होंने ये बना रखी है, इसमें भी इन्होंने धनिया ही डाला, ये भी धनिया ही है। और ये देखिए हमारा चीकू का पौधा, ये काफी बड़ा पौधा है, और देखिए अब इसमें छोटे छोटे फूल लगने शुरू हो गए। इस पौधे पे तो चीकू बहुत ही आते हैं। ये देखिए चीकू का काफी बड़ा पौधा हो चुका है, और जब इनका सीजन आता है तो एक तरफ से चीकू लद जाता है, और इसका घर का जो पेड़ है ना, चीकू का जो टेस्ट है, मीठापन बहुत इसमें मिठास है, जबकि मार्केट के चीकू में इतनी मिठास नहीं होती है, लेकिन इसके चीकू में बहुत ज़्यादा मिठास है, क्योंकि ये देसी वेसी खाद डालते रहते हैं ना ये लोग, तो इस वजह से अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है, ये भी काफ़ी बड़ा था पेड़, तो ये इन्होंने काट दिया है, ये बहुत बड़ा हो गया था लेकिन इसको इन्होंने काट दिया है, तो अब ये दोबारा से फूटा है, और इसके भी फल अच्छा है, लेकिन इसकी वैरायटी इतनी खास नहीं है, तो मैं इनसे बोल रही थी कि नया पौधा लाओ अमरूद का, और इसके तो अमरूद ही बेकार है, इसका इसमें मिठास नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए पानी चला गए, ये क्यारी में पानी चल रहा है, यहीं से चलता रहता है, सारी क्यारियों में नाली बना रखी है, ये देखिए ये नाली बना रखी है, तो सारी क्यारियों में यहीं से पानी चलता रहता है। अब यहीं से जाते जाते ये पूरे उसमें पूरे गार्डन में चला जाएगा पानी, धीरे धीरे करके नालियां बना रखी हैं। चलिए गाइस, मैं अपनी वीडियो का कर रही हूँ अब एंड, और अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।